बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल की खास पेशकश क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस शो के जरिए इस्लाम से जुड़ी वो तमाम बातें जिनको जानना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, उन तमाम चीजों को लेकर हम हाजिर होते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस बार जुड़ रही हैं इस शो में, महलीज सरकारी जी। आप एक्स मुस्लिम हैं। महलीज सरकारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के शो क्या कहता है इस्लाम में। और एक बड़ा तबका ऐसा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जो बहुत कुछ जानना चाहता है इस्लाम के बारे में और खासकर एक्स मुस्लिम के बारे में, क्योंकि जो कम्युनिटी है एक्स मुस्लिम की बहुत तेजी से बढ़ रही है तमाम चैलेंजेस के बाद भी। अब मैं आपसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस समझना चाहूंगा, क्या ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में कि आपको लगा कि मुझे इस्लाम से खुद को अलग करना चाहिए? जी नमस्ते। पहली तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया दोबारा से एंड गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने जैसे कि बात की कि एक्स मुस्लिम तबका, 2019 में मैं मुझे जो है एक एक्स मुस्लिम ने यू नो अप्रोच किया था, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि ये एक्स मुस्लिम टर्म जो है वो मार्केट में आई है। क्योंकि पहले, उससे पहले अगर आप एक्स मुस्लिम बोलते ही थे तो लोग अपने कानों को छूना शुरू हो जाते थे, मगर अगर आप अब देखें तो एक्स मुस्लिम टर्म आज जो है बड़ी कॉमन है, बहुत सारे एक्स मुस्लिम यूट्यूबर्स बैठे हैं। मगर 2019 से पहले अगर आप देखें तो इतनी बातें एक तो रिलीजन पे नहीं होती थी, इस्लाम पे नहीं होती थी, और कोई आपको दिखता नहीं था यू नो टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ। तो मेरी जर्नी तो खैर बहुत ही पुरानी रही है, लाइक मैंने तो इस्लाम बहुत पहले छोड़ दिया था। उसका रीजन ये था कि मैं खुद एक मल्टी रिलीजन फैमिली में पैदा हुई, राइट। मेरी मम्मी का जो बैकग्राउंड था वो आया पारसियों से, क्योंकि वो इंडिया से मेरे नाना जी आए थे, तो वो इंटर मैरिज हुई हुई थी, इंटरफेथ मैरिज थी वहां पर। एंड देन मेरे बाप जो था ही वाज मुस्लिम, तो मेरी मम्मी ने कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो वी हैड टू रन फ्रॉम पाकिस्तान, और इसी वजह से क्योंकि मेरी माँ जो थी वो शी वांटेड टू गो बैक टू हर ओन रिलीजन, और वो अलाउड नहीं है। आपको एक दफा अगर आप इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं तो उससे फिर निकलना जो है वो मुश्किल होता है। आप छोड़ देते हैं तो फिर देन अपोस्टेसी की सजा आपके लिए बेसिकली इस्लाम में है कि आपको मार दिया जाता है। मतलब महलीज आप कह रही हैं कि जैसे जैसे जो बाकी धर्म होते हैं, जैसे हिंदू धर्म होता है, इसमें नास्तिक जो लोग होते हैं, मतलब वो लोग जो खुदा को ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनकी गुंजाइश होती है, उनके लिए स्पेस होता है। आप कह रही हैं कि इस्लाम में अगर आपने खुद को इस्लाम से अलग कर लिया तो आपके लिए सजा मुकर्रर है। जी, तो अपोस्टेट्स जिसे कहते हैं जो इस्लाम को छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली उनकी सजाए मौत है, दैट्स हाउ देयर यू नो क्योंकि आप इस्लाम को क्यों छोड़ेंगे? आप इस्लाम को तभी छोड़ेंगे ना जब आप इस्लाम को गलत समझेंगे, और अगर आप इस्लाम को गलत समझ रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी कमिटिंग ब्लास्फेमी, राइट। तो ब्लास्फेमी की सजा क्या है? सजाए मौत। तो वो घूम फिर के चक्कर वही आ जाता है। तो खैर मैंने तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लाइक जब हम लोग पाकिस्तान छोड़ के निकले हैं तो मेरी माँ ने उस वक्त छोड़ दिया था, एंड आई ऑब्वियसली फॉलोड माई मदर। मगर उससे पहले भी सवाल जवाब आते थे मेरे दिमाग में, मुझे याद है बहुत क्लियरली। I was about 10 or 9, तो मैंने मम्मी से, मुझे पता ही नहीं था कि और भी रिलीजन होती हैं, हमको तो बताया ही नहीं गया था, इंटरनेट का जमाना नहीं था उस वक्त। तो मैंने, मुझे जब पता चला कि और भी रिलीजन थी और वो इस्लाम से पहले आई, तो मैंने कहा ये अगर वो रिलीजन पहले आई थी तो ये वाली कैसे सच हो सकती है? तो शी टोल्ड मी यू नो बी क्वाइट, कुछ नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है। मगर वो दिमाग में सवाल उसी वक्त से आया हुआ था, एंड द थिंग इज कि सवाल सबके दिमाग में आते हैं, बस क्या है कि ये चुप करा दिया जाता है कि तुम्हें शैतान बहका रहा है, और ऐसा सोचना भी गुनाह है, राइट। तो वो बिल्कुल सारे सोच के जो दरवाजे होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद तो आई केम हियर, उसके बाद आई फॉलोड अदर, मैंने पाथ देखे, रिलीजियस पाथ देखे, स्पिरिचुअल पाथ देखे, यू नो। तो फिर मैं अपनी, अब जाकर 25 साल बाद आई हैव कम टू माई ओन कंक्लूजन, और मैंने अपने आप को पर से एक्स मुस्लिम इतना वो नहीं बोलती हूँ, क्योंकि रिलीजन छोड़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको,
जी मेलिस, कभी आपको एहसास तो ये एहसास तो नहीं हुआ कि मुझसे ये गलत फैसला हो गया, मुझे इस्लाम से खुद को अलग नहीं करना चाहिए था, इस्लाम में बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिनको शायद हो सकता है आप ना समझ पाई हो, जो मुस्लिम धर्मगुरु समझाते हैं उन चीज़ों को आप ना समझ पाई हो, या आपने जो पढ़ा जो आपने समझा उसके बाद आपको लगा कि जो फैसला मैंने लिया था वो बिल्कुल सही था? देखिए, रिग्रेट तो मुझे कोई नहीं है। आई थिंक कि फैसला जो मेरी माँ ने एक्चुअली लिया था उस वक्त, मुझे शायद इतनी समझ नहीं थी उस वक्त, तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी माँ की जो फैमिली थी ऑब्वियसली वो पारसी लोग थे, ओपन माइंडेड थे, तो इतना कोई रिलीजन को धड़ धड़ दिमाग में नहीं डाला जाता था। बाप की फैमिली अगर आप चले जाओ वडेरे थे, वहां पे रिलीजन तब आती थी जब औरत का मामला आता था, वरना वो सब लोग जो थे अपनी अय्याशियों में होते थे, कभी कभार नमाज पढ़ ली, कभी कभार रोजे रख लिए, तो इतना रिलीजन मेरे सर पे होपा नहीं गया, राइट? तो जब मैंने रिलीजन छोड़ा उस वक्त मुझे इतना वो नहीं था, मेरी माँ ने छोड़ा तो आई फॉलोड हर फुटस्टेप्स, मगर मुझे फील होता था ये कि मेरी एज के जो मेरे कजिन्स होते थे वो बाहर चले जाते थे, वीडियो गेम्स जाके शॉप पे खेल रहे होते थे, मैं नहीं जा सकती थी। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स के मैं क्योंकि एक लड़की थी तो मुझको मना कर दिया, यू नो, छोटे छोटे बच्चे होते थे खेल रहे थे, एकदम से जब प्यूबर्टी आई तो भाई अब आपने दुपट्टा भी ओढ़ना है, फिर आपने मुंह भी कवर करना है। जब हम गाँव जाते थे, शहर में तो चल जाता, गाँव में वडेरों की बेटी भाई आपको तो पूरा मुंह कवर करना है। So that was a double standard जो मेरी उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, because I didn't know। मगर बाद में जाकर, वो तो अब जाकर जो है in 2019 actually 17 में जाकर मैंने और पढ़ना शुरू किया इस पे, और फिर जो आयतें मेरे सामने आई, the other things are started coming in front of me, तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा किया कि मैंने छोड़ दिया। ऐसी कौन सी आयतें आपके सामने आई जिसके बाद आपको लगा कि आपने बहुत पहले जो इस्लाम छोड़ने का फैसला लिया था वो बिल्कुल सही फैसला था? एक जो बहुत ही डिस्टिंक्टिव चीज मुझे याद है कि मेरी माँ को, मेरा बाप जो था, जो यू नो वो एक सर्टेन ट्राइब से थे, वडेरे थे, तो उन लोगों के होता है कि मारना कुटना जो है औरत को जूती समझा जाता है, राइट? तो 434 है कुरान की एक आयत जिसमें यही लिखा जाता है कि भाई औरत आपकी मलकियत है, आप उसके ऊपर आपको फजीलत है क्योंकि आप उसके खर्चे उठाते हो, तो और अगर औरत आपकी आपकी गैर मौजूदगी में आपके ओबे नहीं करे या मिसबिहेव करती है, मतलब कि इधर उधर मुंह मारती है, तो फिर आपको अलाउड है कि आप उसको पहले आप उसको समझाओ, अगर वो नहीं समझे फिर उसके बाद आप उससे बिस्तर अलग करो, अगर वो फिर भी ना समझे तीसरे टाइम पे फिर आप उसको पिटाई कर सकते हो। तो मुझे ये जस्टिफिकेशन लगी कि मेरा बाप हमेशा कुटता रहा मेरी माँ को, और उसके बाद मेरे पे भी हाथ उठाना शुरू कर दिया था टू बिकॉज ऑफ दिस। अब आपके जब टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो चीज, तो ऑब्वियसली हर कोई बंदा तो जाके वो जस्टिफाई करेगा ना। ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ क्योंकि औरतों के लिए तो कोई हकूक है ही नहीं। लेकिन कुछ जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, कुछ मुस्लिम स्कॉलर जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो तो कहते हैं कि नहीं साहब, इस्लाम में तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। हालांकि जब हम उनसे सवाल पूछते हैं कि अगर मर्द चार शादी कर सकता है तो औरत चार शादी क्यों नहीं कर सकती, तो उसका जवाब कोई हमें ठोस नहीं मिल पाता है। उसका जवाब आपको ये देते हैं क्योंकि भाई हमें कैसे पता चलेगा बच्चा किसका है, मगर उनको तो ये पता नहीं था ना कि भाई आज के जमाने में तो डीएनए टेस्ट हो सकता है, आपको पता चल सकता है कि बच्चा किसका है, तो हम चार मत क्यों नहीं रख सकते, राइट? सिर्फ चार शादी की बात नहीं है, तलाक उठा लो, मर्द को जो है तीन दफा तलाक बोला, तलाक हो गई। औरत पाकिस्तान में जाके खुला लेने के लिए, मेरी माँ को डिवोर्स, पहली बात तो वो लोग पावरफुल लोग थे तो डिवोर्स ले ही नहीं सकती थी, मगर वो लेने के लिए आपको जाने चक्कर काटने कोर्ट के, एक ऐसे मुल्क में जहां पे बाहर निकलना मुश्किल है औरत के लिए, उसको आप बाहर भेज रहे हो और मर्द बैठ के वहां पे वो कर सकता है। जायदाद में आप देख लो तो आपको हिस्सा नहीं है, यू नो, आपको आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो उसमें नापाक आप हो जाती है ना, एक नेचुरल चीज खुदा ने आपको दी है, आपकी पूरी नस्ल जो है उसी चीज से चल रही है, इट्स अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी को आप नापाक करके आप उसको अलग कर देते हो। सो देयर्स, जो लोग ये लोग बोलते हैं ये अपने जो एक नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट डजंट वर्क एनीमोर। आज की एक और सवाल इससे जुड़ा जो महलिस जुड़ता है, महिलाओं को औरतों को कितनी बराबरी है उसको लेकर, लाइटर नोट में ही सही, लेकिन वो सवाल खासकर सोशल मीडिया में पूछा जाता है कि अगर मर्द को बेहतर हूरें मिल रही हैं तो जो मुस्लिम औरत ऊपर जाएगी इंतकाल के बाद, क्या उसको भी बेहतर मर्द मिलेंगे, और अगर नहीं मिल रहे तो क्या वो भी डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट नहीं होता है? उसका आंसर जो ये लोग देते हैं वो ये होता है कि नहीं, औरत को वही हस्बैंड मिलेगा जो उसको जिंदगी में था, और वो औरत डिसाइड करेगी कि वो मर्द किस हूर के साथ किस दिन जाएगा। तो नहीं, मैं बोल नहीं सकती हूँ वो वर्ल्ड, मगर हम वहां जाके एक सर्टन काम कर रहे होंगे अपने मर्दों के लिए, तो
यार आप यहाँ मतलब मैं उसको सरल भाषा में कहूं तो आप कह रही है कि जो मुस्लिम औरत है ऊपर जाकर वो अपने शौहर का डेली रोस्टर बना रही होगी। हाँ वो बनाएंगी कि भाई आज ये वाली हूर के साथ टाइम है, इस वक्त टाइम है। और तो मगर ये भी है कि सबसे ज्यादा जो है दोजख में वो भी औरतें हैं, ठीक है। फिर आप भी सवाल करते हैं कि भाई जिसकी किसी की शादी नहीं हुई उसका मर्द ही नहीं है तो उसको कौन मिलेगा, फिर वो कहाँ जाएगी, राइट। तो उसके उसका जवाब ही नहीं होता है। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जिसके जवाब नहीं होते। और जब आप ये अभी 434 भी अगर आप रखोगे ना स्कॉलर्स के आगे तो मोर तरोड़ के कहेंगे कि नहीं ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, मारने का तो लिखा नहीं है। पहले गूगल पे अगर आप जाके उसकी ट्रांसलेशन देखते थे तो उस पर लिखा आता था कि स्ट्राइक। अब जो है वो स्ट्राइक करके उसको चेंज करके ब्रैकेट्स में पहले लिखा लाइटली, अब वो वर्ड ही चेंज कर दिया गूगल की ट्रांसलेशन पे, विच इज गुड। हम तो चाहते हैं कि ये जो ऐसी हदीसें हैं, ऐसी आयतें जो सख्त हैं उनको चेंज करो, कर लो, यू नो। मगर ये कहते हैं ना कि कुरान चेंज नहीं हो सकता है, विच इज अगेन अनदर लाई। एक चीज और मैं महलीज आपसे जानना चाहूंगा, एक पॉइंट आपने बताया कि जो वुमेन इक्वालिटी की बात होती है वो नजर नहीं आती इस्लाम में, आपका इस्लाम से अलग होने के पीछे की एक बड़ी वजह ये डिस्क्रिमिनेशन था। इसके अलावा कुछ और चीजें भी जो आपको रियलाइज हुआ हो कि ये गलत है, मुझे इस रिलीजन में नहीं रहना चाहिए इस वजह से? देखिए जिस तरफ से भी आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहती, देखिए हर कोई रिलीजन जो है वो एक पार्ट आपका पढ़ाती है जिसमें यू नो अपने नेबर के साथ अच्छे रहो, यूं रहो, वो रहो। मगर एक इस्लाम के साथ प्रॉब्लम ये है, और ये सॉरी इब्राहिमिक रिलीजन के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि इनको फैलाना है अपने आप को, और हमेशा से आपने देखा है कि फैलाया है तलवार के जोर से, फैलाया इधर भी काबू करना है उधर भी काबू करना है, यू नो दे डोंट माइंड देयर ओन बिजनेस। और ये चीज मुझे दूसरों की बुरी लगती है। एक थोड़ा सा यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में अब कंट्रोल आ गया, वरना तो पहले क्रिश्चियंस भी जाकर मिशनरी जो थे इसी तरह से जाकर जो है अपनी रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ते रहते थे, मगर ये मुसलमानों में ये चीज खत्म नहीं हुई है। एंड अब हमको ये भी दिख रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में आप देख सकते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस या कितना बढ़ता जा रहा है। अब 25 साल पहले जब मैं आई थी, मैं अपनी स्टोरी बताती थी तो मुझको विक्टिम माना जाता था, अब मैं बोलती हूँ तो कहते हैं तुम इस्लामोफोब हो, वो पूरा नैरेटिव ही बदल गया है, राइट। तो ये एक चीज जो तबलीग करने की है, दावा करने की जो चीज है, आई जस्ट टोटली कैन स्टैंड इट। आपने अपनी रिलीजन करनी है, अपने घर तक रखो, आप अपनी मस्जिद तक रखो, एंड दैट इज इट। उसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है ना। आप मेलिस जो आप बात कह रही थी अभी शुरुआत में, क्या इसका मतलब ये भी समझा जाए कि आपको ऐसा लगा कि इस्लाम रिलीजन वायलेंस को प्रमोट करता है? हाँ, अगर आप उनकी किसी भी चीज के अगेंस्ट जाओगे तो वायलेंस प्रमोट करता है, दे टेंड टू गो टू द वायलेंस, राइट। और मैं ये फिर बोलूंगी कि देखें पहले भी जो दूसरी रिलीजन्स थी, इब्राहिमिक रिलीजन्स, उनमें टॉर्चर किया जाता था, उनकी सजाएं थी, मगर उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म किया, राइट। एंड दैट्स व्हाट इस्लाम मींस इज टू रिफॉर्म देमसेल्व्स। अब आप शरिया लॉ में सर नहीं काट सकते, आप हाथ नहीं काट सकते चोरी करने वालों के, यू नो देयर आर सर्टेन लॉज, सर्टेन थिंग्स यू हैव टू फॉलो। आप गेज हो या एलजीबीटी को उठाकर जमीन पे नहीं पटक सकते हो, दीज आर समथिंग दैट आर अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, ठीक है। आप अपने कंट्री का लॉ रखो जो भी है, बट ये चीजें जो है वायलेंस पे आती है। अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे, हमारे बात पे यकीन नहीं करोगे, तो आपको जो या तो लिंच कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, दैट्स व्हाट इट रिसोर्ट्स टू। और कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप रख नहीं सकते हो जी। पाकिस्तान में एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, अक्सर अक्सर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में ये सवाल पूछा जाता है इस्लामिक स्कॉलर से कि आपके लिए पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री का जहां के आप सिटीजन हैं, या आपका रिलीजन या इस्लाम। आपके मुताबिक इस्लाम में क्या कहा गया है, जिस देश के वो सिटीजन हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए पहले है या इस्लाम पहले है, शरिया पहले है, और शरिया का मतलब क्या होता है? अगर शरिया लॉ लागू हो जाता है पूरी दुनिया में तो इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप समझा सकें दर्शकों को। देखिए शरिया का मकसद क्या है वो हर कोई डिफरेंटली लेता है, राइट। शरिया लॉ कहाँ फॉलो हो रहा है वो मुझको तो आज तक पता ही नहीं चला। अंडर शरिया दीज थिंग्स फॉलो, जो कि अब आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई उस जमाने में क्या होता था, आपने हिजाब पहना है, औरतें बाहर नहीं जा सकती। मुझे जो शरिया लगता है वो लगता है जो तालिबान स्टाइल है, दैट इज शरिया फॉर मी, आई थिंक दैट इज वॉट शरिया इज। मगर हर किसी के लिए शरिया डिफरेंट है, हर कोई मुसलमान आके मुझे डिफरेंट शरिया वो करता है, तो खुद किसी को नहीं पता कि शरिया लॉ एग्जैक्टली है क्या, बट इट इज वॉट इट इज। जो कंट्रोल है शरिया के अंडर, आप एल्कोहल नहीं पी सकते, आप बहुत सारी चीजें, औरतें जो है बाहर नहीं जा सकती, आपको कवर करना है, दैट्स ऑल देयर। तो दैट्स वॉट फॉर मी, आई थिंक दैट इज वॉट शरिया लॉ इज। मगर आपको इस पे आकर लिपस्टिक लगाकर उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। अगर आप इमरान खान को देखें तो उन्होंने भी ये लॉलीपॉप देने की कोशिश की थी कि देखें वेस्ट में जो है वो रियासत मदीना है, उन्होंने अपना लिया है, हमको वैसे ही चलना चाहिए, ऐसे मदीना में होता था ये होता था। सो ये नैरेटिव एक
कहीं से भी आप स्विच कर ले ना उसको, बट जो ठीक है। एक्चुअल चीज है वो है। और एक चीज और दूसरा जो मैंने हमारा आपसे पूछी थी मैलीज की, कॉन्स्टिट्यूशन या इस्लाम प्रायोरिटी क्या होती है इस्लाम के मुताबिक? अच्छा, इस्लाम के मुताबिक तो आप चंद लोग फिर अगेन आपको आके कहेंगे कि नहीं हमारा कुरान या हमारा इस्लाम कहता है कि नहीं जहां पे आप रह रहे हैं उस जगह की इज्जत करो, बट एट द सेम टाइम आपको स्कॉलर्स ये भी मिलेंगे कहते हुए और लोग कहते हुए मिलते हैं आपको कि नहीं हमारे लिए इस्लाम के रूल्स पहले हैं और फिर जो है कंट्री आती है। देखें, आप को ये समझना पड़ेगा कि इस्लाम हैज टू बी स्प्रेड, इसका पूरा जो बेस है वो इस पे है कि इसको फैलाना है और इन लोगों को फैलाना है जब तक ये पूरी दुनिया में नहीं फैलेगा, और इसके लिए ये जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये कर रहे हैं कोशिश, आधी दुनिया में तो फैला दिया है, अब ये आधी दुनिया में और फैलाएंगे, और ये एक ऐसा आपका एनिमी है जो आपको बता रहा है कि हम ये करेंगे। वेस्ट कंट्रीज में खड़े होकर मौलाना कहते हैं कि हम आए हैं यहाँ पर, हम अपनी तादाद बढ़ाएंगे और फिर हम अपनी पार्टीज बनाएंगे और फिर हम शरिया लेकर आएंगे, तो वो आपसे झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, और ये तब तक नहीं बैठेंगे जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज नहीं होता, ये खुद बोलते हैं, मैं थोड़ी बोल रही हूँ, ये तो इन लोगों का खुद का बोलना है, बस लोग पता नहीं नहीं क्यों अगर ये करते अगर हैं। अगर महलीज को लगता है कि इस्लाम अच्छा रिलीजन है वो कबूल करती हैं, तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती होनी चाहिए डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। आप जो कह रही हैं उसका मतलब ये है कि बंदूक के दम पर, वायलेंस के दम पर, जिहाद के नाम पर, किसी भी कीमत पर महलीज। देखिए, एक होती है ना, सॉरी टू से, मगर लोगों को जो कीड़ा होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे दरवाजे पे यहाँ पर वो पहले आते थे जहोवाज विटनेस, कि भाई मैं अपना दिन में गुजार रही, मुझे रिलीजन करना होगा, मैं अडल्ट हूं, मैं कर लूंगी, मुझे जानना, मैं ऐसी वैसे इस मुल्क में बैठी हूँ, मेरे घर पे आकर वो चल करने की जरूरत नहीं। अब होता है कि आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनकी शादी में गए हैं, आप उनकी दावत में गए हैं, कहीं ना कहीं वो आपको इस्लाम की दावत जरूर देंगे, ये कीड़ा होता है इनके अंदर। किस चीज की दावत? इस्लाम की दावत, इस्लाम की दावत, कि आप इस्लाम में आ जाओ, ये कन्वर्जन की दावत इनकी जरूरी नहीं है कि वो जिहाद के उस पर ही करेंगे, बहुत पुचपा पुचका के भी करते हैं और यहाँ पर इसी तरह से लोगों को कन्वर्ट किया भी जा रहा है। क्या होता है ये इस्लाम की दावत महलीज, अगर आप थोड़ा समझा सकें, दीन की दावत क्या इसको ही कहा जाता है और इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है इसमें? तो वही है ना, तबलीग, दावा करना, लोगों को कन्वर्ट करना, राइट। तो ये एक ही जगह तो नहीं हो रहा है ना, ये हर जगह हो रहा है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप एक दूसरे मुल्क में गए हैं, अब पुराना जमाना तो नहीं है ना कि आप वहां पे मोहम्मद बिन कासिम की तरह आप तलवार लेकर आए आप कब्जा कर लेंगे, ना, अब आप आ रहे हैं यहाँ पर रेफ्यूजी बनके, असाइलम सीकर बनके, इमिग्रेंट्स बनके, पहले आप आते हैं, फिर अपनी आप मॉस्क वो करते हैं, फिर आप विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं माइनॉरिटी का, कि हमें राइट्स दो, राइट्स दो, राइट्स दो, कर करके इतना कंट्रोल में कर लिया कि अब मैं अगर बोलती हूँ तो मुझको इस्लामोफोब बोला जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? और इसी तरह से तबलीगें भी हो रही हैं। आप सबसे ज्यादा इस वक्त जो है कन्वर्जन आपके जेलों में होती है, जेलों में वहां पर कन्वर्जन हो रही है। व्हाइट वुमेन आर द मोस्ट वुमेन दैट आर कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम यहाँ पर, उनको पुचका पुचका कि भाई इस्लाम सबसे अच्छा है। अभी बड़ा नैरेटिव यहाँ चल रहा है कि वेस्ट तो तबाह हो गया है, वेस्ट ने अपने आप को तबाह कर लिया है, यहाँ पे डिवोर्स रेट सबसे ज्यादा हो गया है और क्या कहते हैं बर्थ रेट नीचे चला गया, ये अपनी नस्लें खत्म कर लेंगे। इस्लामिक कंट्रीज को देखो, वहां डिवोर्स रेट कम है, वहां औरतें कंट्रोल में हैं, वहां पर यू अंडरस्टैंड, ये नैरेटिव अभी यहाँ फैलाया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि मुसलमान कंट्रीज कितनी अच्छी हैं, समझ गए, उनके लॉज अच्छे हैं। महलीज, आपकी मदर ने खुद को इस्लाम से अलग किया, आप अपनी माँ के फैसले के साथ रहीं, आप एक्स मुस्लिम हैं बहुत लंबे वक्त से, क्या ये जो पूरा पीरियड है बहुत आसानी से बीत गया या कुछ फेजेस ऐसे आए जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से आपको रूबरू होना पड़ा, कुछ थ्रेट आपको दी गई या किसी तरीके से आपको धमकाया गया? अच्छा, मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है या ये है वो है, मैं पाकिस्तान में जाके मैंने काम भी किया है ऑन मीडिया एंड सब, तो पर से उस वक्त मुझे किसी और टाइप की हेट मिल रही थी, राइट। उस वक्त ये था कि भाई ये बिकिनी में क्यों घूम रही है पाकिस्तान का फ्लैग लेकर, तो डिफरेंट था, मगर मुझे सपोर्ट भी मिली थी पाकिस्तान से। बट एट द सेम टाइम जब से मैंने इस्लाम के ऊपर बोलना शुरू किया है तो हाँ, मुझे फेस करना पड़ा, मुझे कनाडा में बैठे हुए लोगों ने थ्रेट्स किए, मुझे ऑनलाइन थ्रेट्स आती हैं हमेशा, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू शेयर एनीथिंग पर्सनल ऑनलाइन क्योंकि मुझे नहीं पता है भाई कौन आके, अब पहले तो ये था ना कि हम बाहर आके बैठ गए तो यहाँ सेफ है, मगर अब यहाँ भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सलमान रश्दी पे अटैक हो गया है, यहाँ पर लोगों को मरवा दिया जाता है, तो यू नेवर नो, तो मुझे अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है, मैं हर नॉर्मल बंदे की तरह नहीं कर सकती हूँ। अब तारिक फतेह होते थे, देखो उनको कितनी थ्रेट्स आती थी ओपनली, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे लिए जो पूरा पूरी दुनिया है ना वो छोटी होती जा रही है एज इन सेफ्टी वाइज, बिकॉज़ दीस पीपल आर एवरीवेयर।
और जरूरी नहीं है कि आपने कुछ गंदा ही बोला हो, कुछ भी हो, इस्लाम को क्रिटिसाइज करना ही ब्लास्फेमी है। अब नुपुर जय शर्मा को देख लें, उन्होंने कौन सा कुछ ब्लास्फेमी की थी? इट वॉज नॉट ब्लास्फेमी, उन्होंने तो रिपीट किया था जो लिखा है। लोग मौलाना कब से रिपीट कर रहे हैं उस चीज को, कब से बोल रहे हैं, मगर उसको फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स न्यूज बनाकर इतना बड़ा वो, आई वॉज शॉक कि एक झूठी चीज को इतना वो करा। एंड तो डजंट मैटर ना आप क्या बोल रहे हैं, आप जहां इस्लाम को क्रिटिसाइज करेंगे या क्वेश्चन करेंगे वहां आप ब्लास्फेमर हैं एंड यू आर वाजिबुल कत्ल। ठीक है, लेकिन महलिज ये तो किसी भी रिलीजन की खूबसूरती होनी चाहिए ना कि आप क्वेश्चन कर सकें, आप सवाल खड़ा कर सकें ताकि आपको बेहतर जवाब भी मिल सके वहां से। आप करें कि इस्लाम में स्कोप ही नहीं है इसका? नहीं, देखिए जितनी भी सोसाइटीज को आप देखो जो आगे बढ़ी हैं, उन लोगों ने यही किया ना, क्वेश्चन किया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन कंट्रीज में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो स्पीच नहीं है जो आपको पसंद है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, वो है जो आपको पसंद नहीं है। फिर ये आ जाते हैं हेट स्पीच पे। तो देखिए हेट स्पीच पे ऑलरेडी लॉज पड़े हुए हैं यहाँ पर। आप जब किसी एक यानी एक किसी ग्रुप को टारगेट करके उनके ऊपर अगर हेट इंसाइट नहीं कर रहे, उनकी जानों खतरे में डाल रहे हैं, दैट इज हेट स्पीच। मगर किसी आइडियोलॉजी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट। यू नो बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, क्रिश्चियंस की अपनी आइडियोलॉजी, बुद्धिज्म अपनी आइडियोलॉजी, आई कैन क्रिटिसाइज एनीवन। क्रिश्चियंस देखिए खुद इन लोगों ने अपने आप को क्रिटिसाइज कर कर के बेहतर किया है ना, वरना ये भी ऐसे ही जानवर थे, यही लोगों ने कुछ कम जुल्म किए थे पहले, मगर ये कैसे इंसान बने, राइट? इनके लोग खड़े हुए और कहा कि नहीं ये चीज सही नहीं, हमको रिफॉर्म करना चाहिए। मगर पाकिस्तान में या इस्लामिक मुल्कों में बहुत कम लोग हैं ऐसे जो खड़े होकर कह सकते हैं या कह रहे हैं इस वक्त। अब सऊदीया ने करा है, सऊदी इज डूइंग इट, मगर वो स्मार्ट है, उनको दुनिया के साथ चलना है, राइट? उसके पीछे उसका वो कुछ और ही है। बिल्कुल, तो ऐसी बहुत सारी वजह रही जिसके चलते आपके परिवार को खुद से इस्लाम को अलग करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया महलिज, अपनी जो पर्सनल जर्नी है वो समझाने के लिए, और आपके मुताबिक इस्लाम में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिसमें रिफॉर्म होना चाहिए, इस पर खुलकर अपनी बात कहने के लिए। तो क्या कहता है इस्लाम में, लगातार हम इसी तरीके से खास मेहमानों के साथ जुड़ते रहेंगे इस्लाम से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए। धन्यवाद। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।